हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्वींस बेबी मामा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे ही हमारी डिलीवरी होती है तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हर लेडीज को फेस करनी ही पड़ती हैं। लेकिन होता क्या है कि हमको घर वाले इन समस्याओं के बारे में पहले से कुछ भी नहीं बताते हैं, तो एकदम से जब हमारे सामने ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो हम एकदम से जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ लेडीजें तो जो है इस वजह से डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो समस्या आती है वो आती है पेट को लेके। होता क्या है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो हमारा पेट है वो डिलीवरी के बाद में एकदम से अंदर चला जाएगा, लेकिन जब हमारी डिलीवरी होती है तो पेट जो है एकदम से अंदर नहीं जाता है, बल्कि डिलीवरी होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे 4-5 महीने का बेबी जो है अभी भी अंदर हो और पेट एकदम से ढीला सा पड़ जाता है। तो इस चीज को लेके कई सारी महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये बिल्कुल नॉर्मल समस्या होती है। जिस तरीके से हमारा पेट जो है 9 महीने में एक एक दिन करके धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरीके से बाद में धीरे धीरे बिल्कुल कम होने लगता है। आप जब जो है बाद में मालिश करवाएंगी पेट पे और आप जो है चलना स्टार्ट कर देंगी, काम करना स्टार्ट कर देंगी, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग देंगी ज्यादा से ज्यादा, तो आपका जो पेट है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे 8 से 9 महीने में आराम से कम हो जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है कि जैसे ही हमारी डिलीवरी होती है तो हमारी कमर में हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहता है और ये पेन इतना ज्यादा होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारी डिलीवरी होती है तो हमको बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिस वजह से सारी हड्डियों में जो है बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो बाद में बहुत ज्यादा ही पेन होता है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बाद में आप जब जैसे ही मालिश करवाएंगी, खिलाई पिलाई स्टार्ट करेंगी तो धीरे धीरे आपका जो ये दर्द की जो समस्या है आप नोटिस करेंगी कि 8 से 10 दिन में आपकी धीरे धीरे अपने आप जाने लगेगी, ठीक है। और तीसरी जो समस्या आएगी वो आपकी डिलीवरी होने के बाद में आपको जो है बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगी, जो कि बहुत ज्यादा नॉर्मली होता है क्योंकि जो है ब्लड वगैरह बहुत ज्यादा निकल जाता है काफी, तो एकदम से जो भी हमारी बॉडी में होता है वो सब कुछ बाहर हो जाता है, जिस वजह से बॉडी एकदम से वीक हो जाती है। तो इसको भी सही होने में लगभग 1 से 1.5 महीने आराम से लग जाते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, बॉडी को रिकवर होने में भी धीरे धीरे टाइम लगता है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी प्रॉपर खिलाई पिलाई रखनी है, आपको जो भी घर वाले खाने के लिए दें, हरीरा है, लड्डू है, मेवा वगैरह के और दूध वगैरह है, तो आपको वो प्रॉपर खाना है, बिल्कुल भी इससे बचना नहीं है। अगर आप इससे बचाव करती हैं तो ये आपके लिए ही घातक होगा, उस समय आपको कम फील होगा, लेकिन आप अगर खिलाई पिलाई नहीं करती है तो बाद में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, घी वगैरह जो भी आपको दिया जाए आप सारी चीजें जरूर खाएं, क्योंकि उस समय इन सभी पोषक तत्वों की हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, तो आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और चौथी समस्या वो ये है कि जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद में आपको जो ब्लीडिंग होगी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होगी, मतलब इतनी ज्यादा होगी कि आपका नॉर्मल पैड अगर आप उस समय यूज करती हैं तो हो सकता है उससे बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो और सारा जो है आपके कपड़े वगैरह भी खराब हो जाए। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जो ब्लड होता है वो पूरा 9 महीने से रुका रहता है, तो एकदम से जो सारा गंदा ब्लड होता है वो धीरे धीरे बाहर आता है। तो इस समय आपको जो है अच्छा और एक्स्ट्रा लार्ज वाले ही पैड यूज करने हैं और जल्दी जल्दी थोड़ा चेंज करिए। और आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो लगभग 1.25 महीने चलती है, कुछ लेडीजों की जो है 8 से 10 दिन में भी बंद हो जाती है, कुछ लेडीजों को 10 से 15 दिन का भी टाइम लग जाता है, तो कुछ लेडीजों को पूरा 1.25 महीने का टाइम लगता है। 1.25 महीने में क्या रहता है कि स्टार्टिंग में बहुत तेज ब्लड आएगा, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसको हम पोस्टमार्टम पीरियड कहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और पांचवी प्रॉब्लम ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हम जब दूसरों को देखते हैं कि जैसे ही बेबी होता है तो तुरंत ही जो है वो फीड करने लगता है और आसानी से ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस चलने लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आपका बेबी होता है, जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी, तो उस समय आपका जो है 1 से 2 दिन दूध बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जैसे ही आप जो है कुछ खिलाई पिलाई करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे दूध आना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। और आपको ध्यान ये रखना है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क से आपका पतला पीले कलर का पदार्थ आता है, तो आपको वो जरूर बेबी को पिलाना है, उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। वो बेबी के दिमाग के लिए, बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है, और बाद में आप जब प्रॉपर खिलाई पिलाई स्टार्ट करेंगी तो आराम से मिल्क जो है बनने लगेगा। और एक चीज और आपको बता दें कि जब बेबी होता है तो वो ना तो फीड करना जानता है, वो कुछ भी नहीं जानता है, तो उसको जो है फीड करना आपको सिखाना पड़ेगा। और जब आपका बेबी जो है आपकी निप्पल्स को दबाएगा तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और ये
पेन लगभग 10 से 15 दिन होगा, क्योंकि बेबी सीख रहा होता है और आपको भी आदत नहीं होती, फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ने लगेगी। और आप एक चीज और नोटिस करेंगी कि डिलीवरी होने के बाद में आपके जो मिल्क है उनमें एकदम से एक्स्ट्रा दूध बनेगा, सोते सोते आपका दूध टपकने लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको बेबी को जो है हर 1 से 2 घंटे बाद फीड कराना है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो 12 से 16 घंटे सोते हैं, तो आपको उनको जो है उठा उठा के फीड कराना है, ठीक है। और आपको बेबी को नाइट में भी फीड कराना है। और आप एक चीज और फेस करेंगे कि अगर आप लंबे समय तक दूध नहीं पिलाती हैं तो आपकी जो ब्रेस्ट में मिल्क है वो एकदम से भरना स्टार्ट हो जाएगा और ब्रेस्ट जो है एकदम से पत्थर ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे गांठ हो, तो वो गांठ नहीं होती है, वो दूध जम जाता है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको लंबे समय तक दूध को नहीं रोकना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को पिलाते रहना है ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और फिर जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तो दूध की मात्रा जो है बिल्कुल धीरे धीरे बेबी ज्यादा मात्रा में लेने लगता है, आपका जो ये प्रोसेस होता है दूध जमना या फिर इकट्ठा होना, ये समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और स्टार्टिंग में आपको कितना भी दर्द झेलना पड़े ब्रेस्ट फीड कराते हुए, लेकिन आपको बेबी को फीड जरूर कराना है, आपको मक्खारी बिल्कुल नहीं देनी है कि आपको पेन हो रहा है तो आप नहीं पिलाएंगे, इससे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। डिलीवरी होने के बाद में आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो ये होगी कि आपकी नींद बिल्कुल भी अच्छे से पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि छोटा बेबी होता है तो वो बार बार जो है पोटी करेगा, सुसु करेगा, तो बार बार उसकी नेपी चेंज करना। और एक चीज और है कि बेबी को आप हमेशा बैठ के ही दूध पिलाएं, न्यूबॉर्न बेबी को कभी भी लेट के दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप जब भी दूध पिलाने जाएं तो आप पहले आराम से बैठ जाएं, बेबी को गोद में लेके उसका सर थोड़ा सा ऊपर करके, और हमेशा जो ब्रेस्ट जिस ब्रेस्ट से आप उसको दूध पिलाएं वो हमेशा ब्रेस्ट को हाथ में पकड़ के ही पिलाएं, क्योंकि उस समय ब्रेस्ट का साइज जो है बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है और बच्चा जो है बिल्कुल छोटा सा होता है तो उसकी जो है नाक वगैरह दबने के चांस रहते हैं। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और आप एक और प्रॉब्लम फेस करेंगी, प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरे 9 मंथ हमारे जो बाल है बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं, बल्कि और अच्छे और मजबूत हो जाते हैं। तो जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी, डिलीवरी होने के तुरंत बाद में जो हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगते हैं और जो हमारे रुके हुए बाल होते हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये प्रोसेस 8 से 9 महीने भी चल सकता है, फिर धीरे धीरे बिल्कुल लेवल में आ जाएंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बाल जो उस समय रुक जाते हैं, बालों का एक प्रोसेस होता है कि कुछ अच्छे बाल आते हैं, कुछ पुराने बाल झड़ जाते हैं, जो कि ये प्रक्रिया होती है वो प्रेगनेंसी से पहले नहीं होती और प्रेगनेंसी के बाद में अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपके बाल बहुत ज्यादा टूटेंगे और बाद में आपके बाल जो है धीरे धीरे झड़ना बंद हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए एक काम करना है कि आपको अपने बालों की मसाज करते रहना है, बालों में अच्छे से तेल वगैरह ठोकते रहना है, और बालों में सरसों का तेल ही यूज करें, और उस समय तेल जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सर में ठोकें, क्योंकि जितना ज्यादा आप तेल सर में ठोकेंगी तो बाद में आपको जो सरदर्द की प्रॉब्लम हो जाती है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद में हमारी बॉडी में बहुत बुरी तरह से वीकनेस आ जाती है, अगर हम उस दौरान अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो आगे चल के समस्याओं पर समस्या ही क्रिएट होती है। और एक बात आपको अपने माइंड में बिठानी है कि डिलीवरी होने के बाद में आपका जो रहन सहन है, खाना पीना है, वो बिल्कुल चेंज होने वाला है, आपकी लाइफ जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि स्टार्टिंग जो 3 मंथ होते हैं डिलीवरी होने के बाद में, उस समय जो हमारा बेबी होता है वो भी एडजस्ट करना सीख रहा होता है, प्लस जो न्यू मदर होती है उनको भी कोई आइडिया नहीं होता तो वो भी सीख रही होती है, इसलिए माँ और बच्चे को एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय लग जाता है। और फिर धीरे धीरे जब माँ और बच्चे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं तो आराम से इजिली सारे काम करना बिल्कुल आराम से पॉसिबल हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि कोई भी चीज हमारे लिए अगर एकदम नई हो तो उसको सीखने में और उसको समझने में बिल्कुल टाइम लगता है। और डिलीवरी होने के बाद में आपको कब्ज की समस्या बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपको अलग अलग तरीके का खाने को दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आपको गर्म चीजें दी जाएंगी, जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा फायदा करती हैं। तो आप कब्ज की समस्या से बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और आप एक बार जरूर ध्यान रखें कि डिलीवरी होने के तुरंत बाद ठंडा पानी गलती से भी ना पिए, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी को उस ठंडी चीजों की नहीं बल्कि गर्म चीजों की जरूरत होती है। अगर आप गलती से भी ठंडा पानी पीती हैं तो इससे सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी बल्कि बेबी को भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। और आपको एक प्रॉब्लम और होगी, जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाए, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होने के बाद में जब आप दूसरे दिन टॉयलेट वगैरह जाती हैं तो आपको जो है बहुत ज्यादा जलन होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि बेबी बाहर आता है तो घाव जैसा हो जाता है, ये जो समस्या है वो कम से कम 5-6 दिन रहती है। तो आप क्या करें कि जब आप टॉयलेट वगैरह जाए तो आप गुनगुना पानी ले लें बक्के में और उसमें थोड़ा सा डिटॉल जरूर डाल लें, डिटॉल डालने के बाद में प्राइवेट पार्ट को उसी पानी से साफ करें, इससे भी काफी ज्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा, आप बात को जरूर ध्यान रखें। और प्राइवेट पार्ट में जो है ट्यूब वगैरह डॉक्टर से एडवाइस लेके जरूर लगाएं, इससे जो घाव होता है ना वो बहुत ही जल्दी भर जाएगा, ठीक है।
और आपको अपनी नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद में मालिश जरूर करवानी है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। 15 से 20 दिन करवा लें या फिर 1 महीने करवा लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा मालिश की जरूरत होती है। अगर हम नहीं करवाते हैं तो आने वाले टाइम पे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको इन बातों को जरूर ध्यान रखना है। तो बस ये कुछ बातें थी जो आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है डिलीवरी होने से पहले ही, ताकि आपको बाद में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो और बाद में आपको रोना ना आए और बाद में आप ये बिल्कुल ना सोचें कि काश मुझे ये सब बातें कोई बता देता। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।